एक पासे सरकारां वल्लों स्कूलां दी सहूलत बदल दीआं दुहाईआं दित्तीआं जा रहीआं ने, बहुते स्कूलां नूं स्मार्ट स्कूलां दा दर्जा भी दित्ता होया है, परंतु जेकर दूजे पासे होशियारपुर दे कंढी खेतर दे पिंड कूका नेड़ दी गल करिए तां स्कूल दे हालात तुसीं देख के सहज अंदाजा लगा सकदे हो कि स्कूल किन्ना कु स्मार्ट है। स्कूल दी राखी लई ना तां कोई गेट है ते ना ही कोई दीवार है, जिस कारण सरकार दे दावेआं दी पोल खुलदी नजर आ रही है। इत्थों तक कि स्कूल दे चारों पासे बांसां दी रोक लगाई गई है तां जो कोई आवारा पशु जां जानवर स्कूल च ना वड़ सके। गलबात दौरान सरपंच ने दस्सिया कि उन्हां वल्लों इस समस्या नूं लैके कई बार प्रशासनिक अधिकारियों ते विधायक तक पहुंच कीती गई, परंतु उन्हां नूं लारियां तों सिवाए कुछ नहीं हासिल होया। दूजे पासे विधायक डॉक्टर रवजोत दा कहना है कि उन्हां वल्लों स्कूल दी सार जरूर लई जाएगी ते जल्द ही उत्थे जाणगे अते हर संभव कदम चुकिया जाएगा ते बच्चों नूं कोई परेशानी नहीं दिती जाएगी। आओ सुनने हैं की कुछ कहना है सरपंच दा अते विधायक दा। ये पशुओं के कारण पशु रात को बरांडे या अंदर जो भी गोबर कर जाते या कुछ भी कर जाते इतने, ये कारण अभी चार दीवारी के वास्ते गवर्नमेंट को काफ़ी पिछली गवर्नमेंट को भी हूँ भी असी बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि सानू चार दीवारी दी जाए, क्योंकि दिन में भी इतने डर रहा है कि पशुओं का कोई पशु उदा का आके कोई बच्चे मार जाए या कुछ कर जाए, तो बच्चों की हिफाजत वास्ते सानू ये बांस लाने पे है। सरकार कह रही है कि स्मार्ट स्कूल जी, क्या यहोजे स्मार्ट स्कूल होंगे? सर हूँ ये कमरे हूँ नवे बने हैं जिहड़ी सरकार के दौरान बन गए हैं, हूँ असी पिछली सरकार तो यह किया कि सानू चार दीवारी दी जाए ना, अज तक वो पिछली सरकार तो ना हूँ की सरकार तो सानू चार दीवारी दे मिली, अजे बच्चों की लैटरिन बाथरूम और किचन वास्ते वो भी किया हुआ कि सानू वो मिल जाए। सानू एक कमरिया का पैसा आया सीगा, कमरे बनाते ये असी बच्चे पानी पीने का बोर कराता। जिन्ने स्कूल दे विच बच्चे है जी वख-वख क्लासां दे उहदे मुताबिक टीचर नहीं है? हाँ जी, पहले जो ये साडा एलीमेंट्री स्कूल है ये एक टीचर है टोटल, जिदे सानू आंगनवाड़ी के बच्चे भी ये एडजस्ट है और एक टीचर जिहड़ा इन्हां नूं संभाल नहीं सकता। असी भी गुजारिश की सानू एक टीचर कम से कम एक टीचर तो होर दिता जाए, पर अज तक वो टीचर भी नहीं आया। ये भी टीचर बहुत दूरों आते हैं मालपुर तो, इन्हां नूं काफ़ी आन जाण दी कोई मुश्किल है, पर चलो एक टीचर तो सानू जरूरी चाहिए पिंड दे विच। सरपंच साहब, कंढी का जिहड़ा एरिया बहुत वड्डा है, रकबा स्कूल का भी काफ़ी रकबा आपां देखिया है, कंढी एरिए दे विच अक्सर जानवरों का जिहड़ा बोलबाला रहिंदा है, आम तौर पर तेंदुआ इधर कहिंदे आम तौर पर वेखण नूं मिलदा है, जेकर रब ना करे कोई इदां दी मिसहैपनिंग हो जाती है, सरकार नूं सब कुछ पता है, सारा कुछ तुहाडे दसण मुताबक कि प्रशासन दे ध्यान विच लिआंदा गिआ वा, बाद विच ते तुरंत एक्शन लै लैंदे, पहलां क्यों नहीं इहनां वल्लों सुहिरदता दिखाई जा रही? सर असीं इहनां बच्चिआं नूं दस्सिआ कि साडा पिंड जिहड़ा 8 किलोमीटर ऑलराउंड है, कुछ बच्चे 5 किलोमीटर तों छोटे भी जो बच्चे एलीमेंट्री स्कूल से भी 5 किलोमीटर दूरी है उन्होंने, असी इन्हों गड्डिया की सिफारिश की सी जो कि गवर्नमेंट वालों अलाउड भी है इस वेले, पर अभी सिफारिश की हुई अगर डिमांड भी की हुई है सानू वख-वख क्लासा वास्ते कि कोई गड्डी का प्रबंध किया जाए, पर अज तक वो नहीं हो सकिया। हल्का कहड़ा पिंड? हल्का शाम चौरासी। विधायक डॉक्टर रवजोत आए हैं, चोणों तो पहले तो अक्सर उत्थे आते हो, चोणों तो बाद कि उत्थे सार लैना है स्कूल की जो पिंड? स्कूल के नहीं आए जे, पिंड के भी एक बार आए थे शुरू च, वो तो बाद नहीं आए। स्कूल के हालातों तो जाणू करवाया सी उन्होंने? नहीं, मैं उस वेले प्रजेंट नहीं सीगा इत्थे जिस दिन आए थे। ठीक है जी, की कहना चाहते हो सरकार को, क्योंकि सरकार लखां करोड़ों के इश्तहारों से पैसे जी फूक रही है, परंतु इसके बावजूद तो सब तो मुढ़ला ढांचा है सिक्ख्या का, सिक्ख्या तो बिना कुछ भी पॉसीबल नहीं है, क्यों सरकार वालों इस वाले सुविधा नहीं दिखाई जा रही? मैं सब तो पहले सरकार के अगे यही अर्ज करदा गुजारिश करदा कि सानू इन्हां बच्चों की सुरक्षा चाहिए है, जे बच्चों की सुरक्षा ही नहीं तो पढ़ने का भी की फायदा, कि रस्ते में इन्हों कोई कुछ हो जाए तो मुश्किल है। इन्हों की सुरक्षा स्कूल के अंदर इन्हों की सुरक्षा पूरी नहीं है, सानू इन्हों की पहले सुरक्षा का जो भी है वो किया जाए, बाकी काम बाद में। कितनी बार अज तक तुहाडे वल्लों लिखती तौर पर सरकार या प्रशासन अपील की गई है कि स्कूल की जी सार ली जाए? सर ये तो हूँ भी अभी स्कूल के इन्हों टीचर के द्वारा भी मैं भी उपर स्टैंप लाई है, सब कुछ लिख के दिता कि सानू चार दीवारी किचन और बाथरूम का जोड़ा है बच्चों का प्रबंध किया जाए। नहीं बाकी गल थोड़ी सही है कि जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हैगा, स्पैशली असं कंढी की गल करिए, बहुत स्कूल्स की गल करिए, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की गल करिए, काफ़ी माड़े हालात ने, बिल्डिंग के काफ़ी माड़े हालात ने, तो जो साढ़े तक न्यूज़ आई है जो कोकोनट स्कूल प्राइमरी स्कूल का है कि उत्थे एक बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई, उन्होंने पिंड वाले ने आप ही खुद पासे की वो फेंस बना के उन्होंने चार दुआरी की हैगी है, तो मैं जरूर इस बारे साढ़े ध्यान च आ गया, तो असी आप जोड़े कंसर्न अथॉरिटीज है उन्होंने गल करके आप जल्द तो जल्द बाउंड्री वॉल करावे, क्योंकि बच्चों का औखा हैगा, क्योंकि कंढी च जानवर की प्रॉब्लम काफ़ी हैगी है, बंदर की काफ़ी प्रॉब्लम हैगी है, कोई कोई नुकसान ना हो जाए बच्चों को असी आप करावे। तो दूजी गल कि उत्थे थोड़ा स्टाफ की भी कमी है, वह भी आप मैटर आप पुटअप करके छेती तो छेती आप
ओके करावांगे जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢਾਈ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ DDPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਢੀ 'ਚ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।